हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी टेक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में फेसबुक पे जाके किस तरह लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपनी गैलरी की वीडियो को, या कोई भी वीडियो जो आपके पास हो जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, उसे ऑनलाइन चलाना चाहते हैं फेसबुक पे। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपने वहाँ ऊपर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है AZ Screen Recorder। सही है, ये लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपके पास ये स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड है तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना। अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है फिर तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुआ तो इंस्टॉल कर देना। मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं सिंपली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद देखें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये इंटरफेस शो होगा, आप यहाँ सिंपली साइड पे जो कैमरा बना हुआ है इस पर क्लिक करना। ये नीचे देखें आपको यहाँ पर लाइव का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपने सिंपली यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखें ये आपको बता रहा है कि आपने जो लाइव स्ट्रीमिंग करनी है वो फेसबुक पे करनी है या यूट्यूब पे करनी है। वैसे तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं, दोनों पे सेम ही तरीके हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है कि हम फेसबुक पे करना है इसलिए हम फेसबुक पे करेंगे। लेकिन ये करने से पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है फेसबुक में वो ओपन करनी पड़ेगी। प्रोफाइल से मतलब कि आपकी जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो वो आपको मैं बता देता हूँ किस कहाँ ओपन करना है। यहाँ से हम चले जाते हैं दोबारा मेन स्क्रीन बैक पे। सही है, तो यहाँ से आपने फेसबुक ये आइकन है ना, इस फेसबुक पे जाके अपनी इस तरह की एक प्रोफाइल बना के उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ ओपन है, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उसका तरीक़ाकार ये है। उसको आप दोबारा से जाएंगे अपने AZ Screen Recorder पे। ठीक है, तो ये रहा ये जगह, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से साइड पे जो कैमरा बना है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आपने लाइव पे क्लिक कर देना है, और लाइव पे क्लिक करने के बाद जब आप चाहते हैं कि यहाँ से आगे मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो तो आप यहाँ से स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट के लिए आप वीडियो भी स्टार्ट करने के बाद आप वीडियो भी चला सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, और इसी ऐप से आप स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो बड़ा ये अच्छा ऐप है और बहुत यूज़फुल ऐप है। अभी हम फ़िलहाल चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फेसबुक हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आपसे पूछेगा कि आपकी जो आईडी आपके मोबाइल में ओपन है फेसबुक की, उसको आप कंटिन्यू करें। जिस तरह के यहाँ लिखा हुआ देखें, कंटिन्यू एज नासिर, जो आईडी का नाम है उसके नाम से आपके सामने शो करेगा। तो आपने कंटिन्यू यहाँ से नासिर पे क्लिक कर, ये देखें आपके सामने सिंपली यहाँ पे ऊपर जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आ जाएगी, और आपने जो भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की ऊपर आपने टाइटल डालना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ न्यू वीडियो इन हिंदी। ठीक है, ये डालने के बाद आपने यहाँ सिंपली नीचे देखें, नीचे लिखा हुआ स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग। सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अलाओ पे। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। नीचे देखें हमारे पास कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, और ये आपके सामने देखें बिल्कुल जो आपकी फेसबुक की पे, जो आपका फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आपका पेज है, जो कि आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन ये रिकॉर्डिंग मोड पे जा चुकी है, इसलिए हम कर सकते हैं बैक पे जाने के बाद हम जाते हैं जो वीडियो आपने प्ले करनी होगी वहाँ पे जाके आपने क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से
करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट। कोई भी वीडियो हम यहाँ से प्ले कर देते हैं, जैसे कि हमने ये वीडियो यहाँ प्ले की है, ये वीडियो प्ले हम यहाँ कर रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग पे भी प्ले हो रही है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है अपनी किसी भी वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग पे जाके स्ट्रीम करने का, वहाँ पे ऑनलाइन इसको चलाने का। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं हमने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लगाई है लाइव स्ट्रीमिंग पर जाके, और ये हमारी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीमिंग पर चला रहा है। अब और यहाँ नीचे कमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर अगर कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग में आपके पास कमेंट करेगा तो आपके पास शो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर अपनी वीडियो या अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करने का, तो ये देखें ये आइकन आपके सामने शो हो रहा है, इस आइकन पे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे नंबरिंग भी चल रही है, और अगर आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग, देखें ये मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, एक क्लिक करने के बाद ये लाइव स्ट्रीमिंग है स्टॉप, ये स्टॉप हो चुकी है लाइव स्ट्रीमिंग जो हम कर रहे थे। फ्रेंड्स ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। अब जो स्ट्रीमिंग हमने लाइव की थी वो वहाँ फेसबुक पे शो हुई है कि नहीं, तो हम यहाँ से जाके फेसबुक पे चेक कर लेते हैं। फेसबुक पे चेक करने के लिए हमें वहाँ से अपनी प्रोफाइल खोलनी पड़ेगी, और नीचे जाके ये देखें जो हमने वहाँ पे वीडियो बनाई थी, ऊपर देखें टाइटल दिया था न्यू वीडियो इन हिंदी, ये हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग पे यहाँ पे देखें लाइव हो चुकी है, नासिर अमान हैज़ लाइव। इसके अलावा अगर कमेंट किया होगा वो भी आपके पास नीचे शो होगा, सेव हो गया होगा। फ्रेंड ये बिल्कुल सिंपल तरीका है अपने मोबाइल में जाके लाइव स्ट्रीमिंग करने का, गेम खेल के भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और इसी ऐप के ज़रिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे से कमेंट कर दें। बाय बाय।